आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आप सब जानते हैं आज जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 इसका फॉर्म आ चुका है। सो इस वीडियो में हम क्या डेट्स हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, देन एक पीएचडी स्टूडेंट को जो कि लाइफ साइंस से पीएचडी करना चाहता है, उस स्टूडेंट्स के पास कितने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, कितने सब्जेक्ट्स फिल करने का ऑप्शन है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो फिल कर सकता है, बिकॉज सारे ही लाइफ साइंस के सब्जेक्ट फिल नहीं करने हैं, सारे ही बायो के सब्जेक्ट फिल नहीं करने हैं। कौन कौन से फिल कर सकता है स्केड्यूल वाइज एंड क्या क्या फीस होगी और क्या हमारा पैटर्न होगा, क्या हमारा फुल एग्जामिनेशन का मार्किंग होगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग तो जो हमारा एग्जामिनेशन है वो 27 जुलाई से 27 अगस्त तक ओपन है। हम 27 जुलाई से मींस आज से 27 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके, एंड फीस पे कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना बहुत ईजी है, आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा और अपनी फीस पे करनी होगी। सिंपल है, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करना। देन हमारा ये जो एग्जामिनेशन है वो हमारा 180 मिनट्स का होता है, 3 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हमारे 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं और इन 100 क्वेश्चन पे हमें 1 मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स मिलता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। एंड सबसे पॉजिटिव बात इस एग्ज़ाम की कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं और एग्जामिनेशन का लेवल CSIR के लेवल से कम ही होता है, ओके। एग्जामिनेशन डेट्स क्या क्या हैं? एग्जामिनेशन डेट्स हैं हमारे पास 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। हमारे पास 4 एग्जामिनेशन डेट्स हैं। तो हमें कैसे कैसे अपना फॉर्म फिल करना होगा, आते हैं फॉर्म पे। ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एक पीएचडी स्टूडेंट जिसका जो सब्जेक्ट है वो लाइफ साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है या जूलॉजी है, बॉटनी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए कैसे ये फॉर्म फिल होगा, कौन कौन से एग्जामिनेशन वो दे सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में दे सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जेएनयू हमारा बहुत सारे स्कूल्स में डिवाइडेड है। स्कूल्स में मीन्स स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन, स्कूल ऑफ नैनो साइंस, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ आर्ट्स, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में डिवाइडेड है। तो इन स्कूल्स में से हम किस किस में फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस किस के लिए एलिजिबल है और इस बार के फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से फिल करने चाहिए, बिकॉज कुछ टाइम क्लैशेस भी हो रहे हैं, तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग तो ये कि कोई भी एप्लीकेंट ओनली 1 फॉर्म फिल कर सकता है और एक फॉर्म में 1 फॉर्म में वो 3 सेंटर्स को फिल कर सकता है, 3 एग्जामिनेशन को दे सकता है, 3 एग्जामिनेशन को दे सकता है। अब क्या उन एग्जामिनेशन की फीस सेम होगी या डिफरेंट होगी, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। हम फॉर्म फिल करते हैं तो इफ हमने उस एक फॉर्म में एक ही चॉइस रखी है, कोई भी एक एग्जाम को फिल किया है, तो हमारे 530 हमारा चार्ज होगा, हमारी फीस होगी जनरल के लिए। एंड इफ हमने 2 चॉइसेस रखी हैं, कोई भी 2 डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है अपने पीएचडी के लिए, तो हमारी उसमें 800 फीस होगी दोनों की। और यदि हमने 3 चॉइसेस रखी हैं तो 1000 फीस होगी। तो मैक्सिमम 1000 फीस हो सकती है। 1000 फीस में आप 3 एग्जाम्स को दे सकते हैं। अब होता क्या है, जेएनयू बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए 4 सेंटर्स प्रोवाइड करता है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन, स्कूल ऑफ नैनो साइंस, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे 4 सेंटर्स होते हैं। इन 4 सेंटर्स में से हम किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। हम जो लाइफ साइंस के, जूलॉजी के, बॉटनी के एंड कोई भी बायो के फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो ये 4 सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास चॉइस है 3 सेंटर्स की, हम सिर्फ 3 सेंटर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, बट 4 में से हम कोई भी 3 सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं, ओके। ये 4 सेंटर्स ही लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं। इफ़ आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप बायोटेक फिल करें, एक लाइफ साइंस भी फिल कर दें, और आप जो भी आपको इंटरेस्ट हो मॉलिकुलर मेडिसिन में या आपको नैनो साइंस में, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, उसको फिल करें। तो इन डिपार्टमेंट्स में, इन स्कूल्स में सिर्फ इसी के रिगार्डिंग रिसर्च होती है। लाइफ साइंस स्कूल में लाइफ साइंस के रिगार्डिंग रिसर्च होती है। लाइफ साइंस एक कॉमन है, उसमें सब कुछ आ जाता है, नैनो भी आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, जूलॉजी भी, बॉटनी भी, सब कुछ आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में जो मेनली रिसर्च है वो बायोटेक के रिगार्डिंग है, नैनो साइंस में रिसर्च नैनो के रिगार्डिंग है, और मॉलिकुलर मेडिसिन में रिसर्च मॉलिकुलर मेडिसिन के रिगार्डिंग है। तो आप इन चारों में से कोई भी सेंटर्स फिल कर सकते हैं, कोई भी 1 सेंटर या 2 सेंटर या 3 सेंटर्स, मैक्सिमम 3 सेंटर फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो हमारा स्केड्यूल है एग्जामिनेशन का, स्केड्यूल जो है एग्जामिनेशन का, वो हमारा कुछ क्लैश कर रहा है। इट मीन्स हम ऐसे ही कोई भी 3 सेंटर्स फिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 2 एग्ज़ाम्स हैं, उनका जो सेंटर है वो क्लैश कर रहा है। सो फर्स्ट एग्ज़ाम जो आता है लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए, वो आता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हमारे पास स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है, जिसका टाइमिंग 2:30 से 5:30 है, 3 आवर्स 2:30 से 5:30 है। ओके, देन आता है सेकेंड एग्ज़ाम, स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन का एग्ज़ाम। स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन का एग्ज़ाम हमारा 22 सितंबर को है, एंड 22 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम 9:30 से 12:30 है। तो ये भी ओके है, कोई क्लैश नहीं कर रहा है। बट हमारा 22 सितंबर को ही हमारा दूसरी शिफ्ट में हमारे 2 एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड स्कूल ऑफ नैनो साइंस। इट मीन्स आपके पास सिर्फ इन दोनों में से एक ही चॉइस है, या तो आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंस को फिल कर सकते हो या स्कूल ऑफ नैनो साइंस को। सो इफ़ आप कोई भी एक फिल करना चाहते हो तो ओके है। इफ़ आप 2 फिल करना चाहते हो तो आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंस और स्कूल ऑफ नैनो साइंस में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, आप दोनों को चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है। इफ़ आप 3 को फिल करना चाहते हो तो आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंस और नैनो साइंस दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा, और आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी को फिल कर सकते हैं। सो आप दोनों को, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस को एंड स्कूल ऑफ नैनो साइंस को, एक साथ फिल नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ जो आप एग्ज़ाम में फिल करेंगे इसको बिल्कुल माइंड में रखना, अदरवाइज़ आपका जो एक शिफ्ट है, आपका जो एक एग्ज़ाम है, उसकी फ़ीस चली जाएगी और आप उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि या तो आप उस टाइम में लाइफ साइंस का एग्ज़ाम देंगे या नैनो साइंस का एग्ज़ाम देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। इफ़ आप मॉलिक्यूलर मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लाइफ साइंस और नैनो साइंस में से कोई भी एक चूज़ करना पड़ेगा। ओके, और आपके पास 3 चॉइस हैं। इफ़ आपका मन है तो आप 1 भी फिल कर सकते हैं डिपार्टमेंट, इफ़ आपका 2nd का मन है आप 2nd भी फिल कर सकते हैं, 3rd का मन है 3rd भी फिल कर सकते हैं। आपके पास 3 चॉइसेस हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है कि मैम ये चॉइसेस किस हिसाब से हैं। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अपना वो चूज़ करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना ही लेना है, 2nd प्रायोरिटी कम वाला, और 3rd प्रायोरिटी उससे भी कम वाला। क्योंकि इफ़ आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फर्स्ट एग्ज़ाम में ही, इफ़ आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है और उसका वाइवा भी क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट में ही एडमिशन लेना होगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे जाना पड़ेगा। इफ़ आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं क्वालिफाई होता है तो आप 2nd प्रेफरेंस को चूज़ कर सकते हो। इफ़ आपका फर्स्ट 2nd दोनों नहीं होते हैं तो आप 3rd पे जा सकते हो। बट आपको प्रेफरेंस वाइज अपना जो सेंटर है, अपना जो एग्ज़ाम है वो मिलेगा। अब क्या होता है, आपके 3 एग्ज़ाम्स आपने दिए, मानो 3 एग्ज़ाम्स आपने फिल करे, कोई भी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस फिल कर दिया, मॉलिक्यूलर मेडिसिन फिल कर दिया एंड बायोटेक्नोलॉजी फिल कर दिया। आपने इन तीनों का एग्ज़ाम दिया और आप इन तीनों एग्ज़ाम में पास हो गए। देन आपके वाइवा के लिए कॉल आएगा, और उसका कॉल आएगा ईमेल पे। आपको ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखनी है। आपका ईमेल आईडी पे कॉल आएगा, आपका ईमेल आईडी पे आएगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और आपका वाइवा इस दिन है, और जो वाइवा का एडमिट कार्ड है वो आपका आ जाएगा। अब आप वाइवा देने के लिए जाओगे, वाइवा देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगी, और जिस स्टूडेंट्स का वाइवा क्वालिफाई हुआ है, जिस स्टूडेंट का वाइवा क्वालिफाई हुआ है, उनका नेम आएगा। ओके, अब क्या होता है वाइवा में, इफ़ आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो फिल किया है, इफ़ आपका वो क्वालिफाई हो गया, इफ़ आपका फर्स्ट प्रेफरेंस का वाइवा क्वालिफाई हो गया, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही एडमिशन लेना होगा। तो ये जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट भरनी है, प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, ये बहुत सोच समझ के भरनी है। इफ़ आपका स्कूल ऑफ लाइफ साइंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, दैन वाइवा भी क्वालिफाई हो गया, और आपका वो फर्स्ट प्रेफरेंस में था, तो आपको वही चूज़ करना होगा। ओके, तो ये हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपको ये बिल्कुल माइंड में रखना है। फर्स्ट थिंग तो ये कि आपको लाइफ साइंस और नैनो साइंस PhD के लिए एक साथ चूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग हमारी आती है कि आपको जो 3 आप चॉइसेस फिल कर रहे हो, तो आपको वो 3 चॉइसेस बहुत सोच के फिल करनी है, अपनी प्रेफरेंस वाइज फिल करनी है, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलेगा। एंड आपको ईमेल आईडी बिल्कुल सही फिल करनी है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पे ही आपका जो क्वालिफाई हुआ है एग्ज़ाम, उसका नोटिस आएगा। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में इफ़ आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका वाइवा के लिए कॉल आएगा, और वाइवा आप क्वालिफाई कर जाते हो तो एक मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें आपका नंबर आएगा। आपका नंबर जो आएगा वो आपके वाइवा के नंबर के अकॉर्डिंग, और आपके जो आपने एग्ज़ाम दिया है, जो आप कंप्यूटर टेस्ट दे रहे हो, ये JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपका ये मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। देन आपको डिपार्टमेंट में जाने के बाद अपना गाइड सेलेक्ट करना होगा और आपको PhD मिल जाएगा। आपको पीएचडी मिल जाएगा। तो ये हमारा मोड है जिसके थ्रू जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा मोड है जिसके थ्रू आप पीएचडी ले सकते हैं। एंड ये जो फॉर्म है ये हमारा नॉन जीआरएफ स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक सीएसआईआर जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ ये सब क्वालिफाई नहीं हुआ है। इफ़ आपने ये सब क्वालिफाई नहीं हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए है। जीआरएफ स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी सीएसआईआर डीबीटी क्वालिफाई हो चुका था उनके लिए अभी फॉर्म आएंगे, आप उस मोड के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। उससे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही बुलाया जाएगा। सो इफ़ आपके पास जीआरएफ है तो बेस्ट यही रहेगा कि जो जीआरएफ के थ्रू पीएचडी के फॉर्म्स आएंगे आप उनमें अप्लाई कीजिएगा। ये हमारा नॉन जीआरएफ मोड है पीएचडी में एडमिशन लेने का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। सो ये फुल प्रोसेस था, आप तैयारी कीजिए। आप सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, वही प्रिपरेशन इसके लिए काम आएगी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आप वही सब प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम फिल कीजिए और बहुत ईजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सो आपको कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक।